चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल का जो भी लेटेस्ट एडिशन है उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन रहेगा, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। और इसके थ्रू आप स्टार्ट करेंगे डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब तक जितने भी क्वेश्चन बेटा हमने किए थे वो थे एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। इस क्वेश्चन के साथ आप स्टार्ट कर देंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी मत उतारे, पहले समझ ले मैं कैसे कर रहा हूं, फर्क समझ में आ जाए फिर गुस्से प्रैक्टिस करें। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। ऑन 1421 एक मशीनरी वॉज परचेज फॉर 20,000। तो मैंने यहां लिख दिया 1421 बेटा टू बैंक अकाउंट, और राजे ये आ गया आपका 20,000 रुपीज। अब वर्किंग में जैसे ही आप जाएंगे राजे, ट्रिक्स वही है जो एसएलएम में थी। तो ये वाला ईयर 1421 से 31/3/22 इसको कवर करेगा मेरे बच्चों। सो अब हमें क्वेश्चन में ये देख लेना चाहिए कि इस टाइम पीरियड दैट इज 1421 से 31/3/22 क्या इसमें कुछ और तो यू नो खरीदा या बेचा नहीं गया। तो अगली मशीनरी कब खरीदी है? 1st October 22। आई रियली डू नॉट थिंक सो, एंड ऑब्वियसली आप लोग भी अग्री करेंगे कि 1st October 22 इज नॉट लाइंग इन दिस पीरियड। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं बेटा। 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 लिख देता हूं, खाली बाय डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं बेटा। मशीनरी है 20,000 की राजे, 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,000। बच्चा कहता है अरे ये तो सेम ही है, आप एसएलएम में भी तो यही करते थे। एसएलएम और डीबीएम में फर्क क्या है अभी आपको नेक्स्ट ईयर से पता लगेगा। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चा, मैं इसका बैलेंस निकाल लेता हूं बाय बैलेंस सीडी। ये हो गया 18,000 टोटल मेरे बच्चों 20,000, ये हो गया 1422, ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब वे क्लियर यहां तक? अब हम कौन से ईयर में आ गए हैं बच्चों? 1422 टू 31/3/23। यस ऑर नो? ऑल गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या दिमाग लगाना है, इस टाइम पीरियड में क्या कुछ खरीदा है? यस, 1st October 22। सो 1 10 22 टू बैंक अकाउंट 10,000 की मशीनरी लिए बच्चों, और एक और मशीनरी लिया बट कब लिया? 1st April 23 विच आई डू नॉट थिंक सो इज लाइंग हियर। तो अब क्या करेंगे बेटा, यू इन दिस ईयर हैव टू मशीनरीज। अब यहां पर डीबीएम का इंपैक्ट समझिए, और जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो डीबीएम के लिए ही मुफीद है। आप बताइए ये फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना है, उस बैलेंस पर लगेगी डेप्रिसिएशन। आप जब एसएलएम करते थे तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती थी उस पर लगाते थे, यहां पर किस पर लगाना है? बैलेंस पर। M2 देख लीजिए, M2 इज फॉर 10,000, 4 6 by 12 ये आ गया 500 रुपीज। क्लियर ये बात? तो सर आपने इस पे तो 10,000 लगाया, जब वो परचेज की जाएगी तो परचेज वैल्यू पे लगेगी डेप्रिसिएशन, अगले सालों में जो उसके बैलेंस होंगे उस पर लगेगी डेप्रिसिएशन। अब मेरे बेटा इसको जब मैं क्लोज कर रहा हूं तो मैं यहां लिखता हूं बाई डेप्रिसिएशन M1 M2 1800 500 टोटल हो गया 2300। अगेन राजे अगर तू वेरीफाई करना चाहे तो बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें, मैं वैसे बैलेंस अगर निकालू तो बच रहा है 25,700, यही बच रहा है। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने सही किया नहीं किया पता लग जाएगा। सो बैलेंस सीडी बेटा एक बार बता, ये 18,000 की थी, 1800 की डिडक्शन लगी क्या वैल्यू बची? 16,200। ये 10,000 की थी, 500 के डिडक्शन लगे कितना बचा? 9,500। ऐड कर लो यही है। सो यू कैन वेरीफाई, यू शुड वेरीफाई। क्लियर? डीबीएम का फर्क समझ आ रहा है क्या है? इस क्वेश्चन को जानबूझ के पिक किया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले हम ना डीबीएम का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि इसमें देखो कोई भी मशीनरी बिकवाई नहीं है, मैंने पकड़ा वो है जिसमें मशीनरी भी बेची नहीं है हमने। तो पहले डीबीएम का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे जिसमें मशीन बेच रहे हैं आप। Is that clear? चले, so अब हम पहुंच गए 1422 rather 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 16,200 95,100 टोटल 25,700 मेरे बेटा। अब राजे आप आ गए 1423 से 31/3/24। Is that clear? आइए अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं गाइस। इसमें एक और मशीनरी ले लिया आपने, सो 1st April 23 टू बैंक अकाउंट फॉर हाउ मच? वेल 5,000। अब राजे तीन मशीनें तुम लोग के पास है टू वर्क विद,
सो फोकस करिए M1 बैलेंस पर जाएंगे 16200 का 10% लेंगे 1620 रुपए, ठीक है। M2 95100 बैलेंस पर लेंगे डेप्रिसिएशन 950, 5000 ये पूरे लगेगी 5000 के ऊपर, 5000 इंटू 10/100 ₹500, ठीक है। फर्क पकड़ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए SLM और DBM में। अगर SLM होता आई वुड हैव टेकन हेयर 2000, आई वुड हैव टेकन हेयर 1000, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा SLM करना है DBM करना है? आंखों का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके, क्वेश्चन में लिखा होगा डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है और किस मेथड से है, तो वो मेथड क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। कई बच्चे बड़ा मासूम से सवाल कर लेते हैं, सर व्हाट इफ मेथड मेंशन ही ना हो, तो फिर क्वेश्चन पेपर फाड़ दीजिए। हमेशा मेथड मेंशन होगा, अपने आप से नहीं कर सकते हम। आइए अब इसको क्लोज करते, इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश रहेगी हमारी। Why depreciation M1 M2 M3 सो सीधे ही लिख देता हूं 1620 950 500 1600 3000 3070। अब अगर मैं टोटल करके देखूं तो यार 30700 में से अगर मैं ये 3070 माइनस कर दूं तो बचते हैं 27930। बट वी वॉन्ट टू वेरीफाई एंड वी मस्ट। How can one verify? By balance CD M1, M2, M3. I would dearly want to see आप लोगों से कितना समझ आया आपको। आप बताइए मेरा बच्चा, M1 का बैलेंस आप कैसे निकालेंगे राजे, किस में से क्या माइनस करेंगे? वेरी गुड, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके समझ के लिए कि भाई ये कैसे निकालना है। M2 का बैलेंस शबे आप बताएं, M2 का बैलेंस कैसे निकलेगा? 9500 माइनस 950, राइट, परफेक्ट। और थर्ड हमारा 5000 लेस 500, दैट विल बी 4500। ऑब्वियसली जो भी बैलेंस आएगा हम यहां लिख लेते, जैसे ये कितना आ रहा है 8550, ये आ रहा है 4500, ये कितना आ रहा है एक बार करना, 16200 माइनस 1620, हाउ मच इट इज कमिंग अप एज 14,580 रुपए। अब आप टोटल करके देखें और अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, वेरीफाई हो रहा है। मतलब टोटल करके देख लें आप, 14,580, 8,550, 4,500। बताइए इज इट गिविंग अस अ टोटल ऑफ 27,930, राइट। सो मोटी मोटी बात क्या है मेरा बच्चा, फर्क क्या है वो पकड़ लीजिए। SLM में ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है और DBM में बैलेंस पर। आर वी क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? ये है क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग ने पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, जिसको डाउट है वो मेरे को डेस्क पे बुला ले। शुरू करें बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 जो शॉर्ट में लिख भी दिया गया आपके लिए बोर्ड पर। तो सवाल है, राजेश परचेस्ड ऑन 1st April 2022 अ मशीन फॉर 6000। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है 1422 टू बैंक अकाउंट 6000 रुपीज। और आपका दिमाग एकदम स्ट्रेट चलना चाहिए, वो ये कि भाई अब वर्किंग में मुझे जाना है 1422 से 31/3/23, दिस इज व्हाट आई शुड बी लुकिंग एट। So, मुझे अब ये देखना है इस टाइम पीरियड में क्या कुछ और तो नहीं खरीद लिया गया है। लेट अस सी। कहते हैं 1/10/22 ही परचेज अनदर मशीनरी फॉर 5000। गाइस टेल मी 1/10/22 व्हाट डू यू थिंक, इज इट लाइंग इन दिस ईयर? यस इट डज। तो फिर आपको इसको भी यहीं पर लिख लेना चाहिए, 1/10/22 टू बैंक के अकाउंट मेरा बच्चा, एंड दिस टाइम अराउंड इट इज फॉर 5000। इसके बाद तो वो बेच रहा है 1/10/23 को, विच इज नॉट हियर। तो अब हम इसको क्लोज डाउन करते हैं, पहले M1 M2 की डेप्रिसिएशन के साथ 6000 10% 600 5000 10% बट फॉर 6 मंथ्स 250। बोले जी क्लियर? उतारना नहीं बेटा, अभी उतारने नहीं, पहले समझ ले मेरा बच्चा। 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2, कम ऑन गाइस,
600, 250 टोटल 850। अब बेटा अगेन यू कैन स्पार्कल दैट मैजिक जो कॉन्फिडेंस देता है आपको। ये टोटल कितना आया देखो, 11,000 और 850 निकला, कितना बचा 10,150। अब ये सही है या नहीं है, दैट वन कैन वन शुड वेरीफाई। ये हो गया 5,400, ये हो गया 4,750 एंड यू हैव 10,150। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि कैमरा हमने बंद कर दिया था तो वो टोटल कितना था एंड में, 10,000, 30,600, बैलेंस कितना था 27,630 है ना, तो इंसर्ट ऑफ 900, 600। ये मैं कैमरे के लिए बोल रहा हूं ताकि कल को आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वो करेक्शन आ जाए। ठीक है जी, चलिए यहां तक क्लियर। अब हम आ गए 1,423, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1, M2, 5,400, 4,750, 10,150। क्लियर? सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू एन इंटरेस्टिंग जोन। ये है यहां से यहां तक 1,423 से 31,324। लेट्स गेट इट। अब पहली 10 को आपने मशीनरी बेची है, फर्स्ट वन, तो गाइस गेट सेट गो बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 में, यही उतार देता हूं। नो 5,400 इंटू 10/100 इंटू 6/12। कैन एनीबडी टेल मी फर्स्ट व्हाई 5,400? बिकॉज द बैलेंस डिमिनिशिंग बैलेंस है तो बैलेंस पे लगेगी डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा है ये, 270, राइट? दिस यू कैन शो हेयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मैं तो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे लगा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। पेपर में यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बाय बैंक, बेटा कितने में बेचा राजे, 4,000। सो नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज, आई एम राइटिंग हियर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लेट्स गेट दिस राइट। सबसे पहले मशीनरी थी कितने की, 600 की डेप्रिसिएशन लग गई, मशीनरी कितने की रह गई? फिर 270 की डेप्रिसिएशन लग गई, मशीनरी कितने की रह गई, 5,130। यस और नो, आपने कितने में बेच डाली, 1,130 रुपए का लॉस। चेक भी कर लेते हैं टीएस ग्रेवल भाई साहब की किताब से, यस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वहां पर भी 1,130। क्लियर? सारी रीढ़ की हड्डी तेरी मजबूत होनी चाहिए, फिर तो ये छोटी मोटी चीजें, डीबीएम हो गया, साल के ईयर में बेच दिया, दो मशीनें बेच दी, एक मशीन बेच दी, एक फोर्थ बेच दिया, आधी मशीनरी बेच दी, शुड नॉट मैटर अगर बेसिक आपका स्ट्रेट है, तगड़ा है। तो आइए अब 1,023 बाय पीएनएल अकाउंट लॉस एंड 1,130। अब ये क्वेश्चन को मैं हाईली रेट इसलिए करता हूं, अब जो स्टेप आएगा ना वो एक्चुअली में डिसाइड करता है कि आप कितनी समझदारी के साथ पढ़ाई करते हो। अब बताओ खाली M2 ही तो रह गया था आपके पास, M2 कितने का है, 4,700 × 10% कितनी डेप्रिसिएशन आई? तो आपने जब ईयर क्लोज किया होगा या करेंगे तो आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन M2 475। ठीक है, अब जो नॉर्मल बच्चा है ना, नॉर्मल से मेरा मतलब जो समझ के नहीं करते पढ़ाई, एंड 99% आर लाइक दोस, आई एम अफ्रेड टू से दैट, वो पता क्या करेगा, इसमें से सारा माइनस करेगा। अरे हटा, मैं पता सिर्फ क्या करूंगा बेटा, तो मैंने मैसेज कर दिया आप आ गए, नहीं तो आना नहीं था आपने। कोई नहीं बैठो, हाँ जी ध्यान लगाए प्लीज। तो जो नॉर्मल बच्चा है वो पता क्या कैलकुलेशन करेगा, सर 10,150 में से मैं सारा माइनस कर दूं तो जो बैलेंस आएगा। जो दिमाग वाला बच्चा है वो पता क्या करेगा, टोटल कितनी मशीनरी थी, दो, एक तो तुमने बेच ही दिए, सिर्फ कौन सी रह गई है, दूसरी वाली की वैल्यू क्या है। मैं आपको तरीका बताता हूं बाय बैलेंस शीट कि मैं कैसे जाता। हाँ भाई कितने की मशीनरी थी बताना, सेकंड ही रह गई, सेकंड की वैल्यू क्या थी और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई है, ये बैलेंस बचा। और तेरे को वेरीफाई करना है, कर ले भाई, तू टोटल करके सारा माइनस कर दे, ये आ जाएगा। दिमाग वाला बंदा इतना टाइम लगाता ही नहीं, वो आजकल के टाइम में ठीक है बोर्ड में आपके साथ 10-12 लाख लोग पेपर देंगे, लेकिन कंपीट करने वाले 5,000 ही होंगे, बाकी सब तो नेम सेक के लिए रेस में है। दिमाग थोड़ी ना पढ़ाई करने का, तरीका थोड़ा ना पता है पढ़ने का, दो घंटे में कैसे पेपर निपटाने वो थोड़ा ना माइंड सेट है। तो 5,000 लोगों से कंपीट करना है नॉर्थ कैंपस आपका,
कोई ज्यादा ही आपकी किस्मत अच्छी हुई, ज्यादा ही तगड़े करके, तो शायद एसआरसीसी आपका। लेकिन उसकी नींव अभी इसी क्लास में आपको बोनी पड़ेगी, कैसे, बाय एक्सप्लोरिंग योर माइंड, कि मेरे को तरीका पकड़ना है, मैं पढ़ाई कैसे करनी है, हर एंगल से उसको यू नो क्रॉस चेक करके देखना है कि हाँ मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप एक बारी सभी ने बुक खोली होगी, टैली करें क्या बैलेंस यही है 21 का। यस 4275। क्लियर। सो अब डीबीएम आज फुल थ्रॉटल आप शुरू कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन करिए, किसी को डाउट है वो चेयर पे बुलाएं।